गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ में डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिग टू स्मॉल। और आज आपकी डेट है बच्चों 26/6/21। हर रोज मैं आपको डेट बोलती हूँ, इसका मतलब आप कितना वर्क कर रहे हैं, कितनी डेट हो चुकी है, इसलिए मैं आपको हर रोज डेट बोलती हूँ। और आप हर रोज कॉपी में मुझे पता है कि डेट लिखते होंगे। तो लेट्स स्टार्ट, आज हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर बिग टू स्मॉल। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने आपको बॉल्स का एग्जांपल दिया था बहुत सारे, उसमें हमने स्मॉल टू बिग पढ़ा था यानी असेंडिंग ऑर्डर। और आज हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जांपल जैसे देखिए, बड़ा चौक, ये क्या है, बिग है, फिर इससे स्मॉल दिस वन, ठीक है, और फिर उससे स्मॉल दिस वन, फिर उससे स्मॉल दिस वन, और फिर उससे स्मॉल दिस वन। तो ये क्या हो गया, बिग टू स्मॉल हो गया। ऐसे देखिए कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पे, आपने इसे करना है, ठीक है। जैसे वन है आपका 6, 8, 7, 5, 4, ठीक है। तो आपने इसमें सबसे बिग नंबर कौन सा है, 8, तो आपने इसमें क्रॉस करना है, 8 लिखना है। फिर उससे स्मॉल कौन सा है, 7, ठीक है, आपने इसे क्रॉस कर दिया। फिर उससे स्मॉल है 6, आपने 6 लिखा। फिर उससे स्मॉल है 5, आपने 5 लिखा। फिर उससे स्मॉल है 4, आपने नंबर के नीचे नंबर लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है। फिर है आपने DES का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, आपने इसको लिखना है, इसलिए आपने कॉपी में आपकी लाइन खुची होती है जो आपकी बॉक्स वाली कॉपी है मैथ की, उसमें 1 डालना है क्वेश्चन के लिए, और डिसेंडिंग मतलब आपने फिर आंसर लिखना है डिसेंडिंग का। फिर आपने 2 लाइन का गैप देना है बच्चों, और 2 लिखना है 18, 16, 17, 15, 14, ठीक है। फिर डिसेंडिंग लिखिए, इसमें का बिग नंबर कौन सा है, 18, क्रॉस करना है आपने। उससे स्मॉलेस्ट है 17, क्रॉस करना है। उससे स्मॉल है 16, ठीक है। फिर उससे आपका स्मॉलेस्ट है 15, फिर उससे स्मॉलेस्ट है आपका 14, देखिए। अब फिर आपका थर्ड नंबर है 28, 26, 27, 25 और 24 है आपका, इसमें आपका बिगेस्ट नंबर क्या है, 28। आपको जब कंफ्यूजन हो तो पहले 2, 2, 2, 2 लिख लीजिए, ताकि आपको सिर्फ पीछे की ही देखने पड़े नंबर। तो बिगेस्ट नंबर क्या है, 28, और उससे स्मॉलेस्ट 27, और उससे स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 26, और फिर उससे स्मॉलेस्ट 25, साथ साथ क्रॉस करते रहिए ऐसे, और सबसे स्मॉलेस्ट है 24। तो बच्चों आज हमने पढ़ा डिसेंडिंग, और हमने फर्स्ट कर रखा था पहले असेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। तो मुझे पता चल गया है कि अब आपको इस बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आप घर में भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू बच्चों सो मच।